अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज विद अनम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आलू की टिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार है, आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये रेसिपी दावत के टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट है। नॉर्मली जब हम दावत करते हैं मेहमानों की, तो हमें होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिशेज़ बनाएं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और उस टाइम के लिए ये सबसे आसान रेसिपी है। आप इसको बना सकते हैं, जो कि मज़े की भी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। अब देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको अच्छे से धो लिया था और बॉईल कर लिया था। बॉईल करने वक्त मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था। उसके बाद इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जितना साबुत धनिया लिया था और 2 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया था, उनको अच्छे से क्रश कर लिया है। इसके अलावा फ्रेश धनिया यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है। आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी रहेगा। अब चलते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप नमक मिर्च अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतने डालने हैं, लेकिन ये मीडियम टू हॉट के लिए, जो लोग स्पाइसी खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल मुनासिब रहेगी। जी, तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। सॉरी गाइस, जब मैंने पहली 2 टिक्कियों को बनाया तो वो अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं हो सकी, लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको इसका तरीका सिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने थोड़ा सा जो है आलू का मेज़ा लेना है और उसको इस तरीके से पहले गोल गोल करके और साइडों से आपने बराबर करके अच्छे से बना लेना है। इसी तरह अब हम बाकी की टिक्कियों को भी तैयार कर लेते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टिकिया बन चुकी हैं। मैंने अभी सिर्फ उतनी ही बनाई हैं जितनी मैंने फ्राई करनी है, लेकिन आप जो बाकी का मेज़ा है आप उसको एक दफ़ा ही आप टिकिया बना के रख सकते हैं, वरना तो आप इसी तरह भी रख सकते हैं, लेकिन ये आप ज़्यादा देर तक नहीं फ्रिज में रख सकते, क्योंकि आलू होता है, आलू पानी छोड़ देता है, तो फिर ये जायका भी इसका ख़राब हो जाता है और आलू जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए बस आप जब भी इसको बनाएंगे, आपने इसको फ्रेश बनाना है और मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर इसको आपने बना के खा लेना है। अब हम टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और यूज़ कर लूँगी। अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं आपसे एक टिप शेयर करती जाऊँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बाजार जैसा क्रिस्पीनेस टिक्कियों का एक टेस्ट आए, तो आपको उसके लिए टिक्कियाँ जो हैं वो डीप फ्राई करनी पड़ेंगी। जी, तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने एक टिक्की ली है और उस पर अंडा इस तरीके से लगा लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह आप बाकी टिक्की भी लेंगे, बाकी टिक्कियों को यानी कि लेंगे और उनको भी अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको करके तो दिखाती हूँ। जी, तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो एक साइड से पक चुकी हैं। मैं आपको इसको टर्न करके दिखाती हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमने सिर्फ इतना ही रखना है, हमने इसको ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं है, क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी पके हुए हैं। बस हमने अंडे को जो है इसके ऊपर जो लगाया था उसको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि इसकी जो है लुक अच्छी आए। इसी तरह हम बाकी की टिक्कियों को फ्राई करेंगे और मैं इसको निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार किस्म की आलू की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसको मैंने पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े की लग रही है। इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो के रिलेटेड या अपकमिंग वीडियो के रिलेटेड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।